तो लो जी दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो, और वो भी JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से। दोस्तों अभी मैं जा रहा था जम्मू, और रास्ते में ना एक शहर पड़ता है लखनपुर, और ठीक इसके बॉर्डर पर ही ना दोस्तों काफ़ी सारी दुकानें हैं जो कि है राम लड्डू की। जी हाँ दोस्तों, मूंग दाल की छोटे छोटे पकौड़ियाँ लड्डू बनती हैं, और काफ़ी फेमस है दोस्तों ये जगह राम लड्डू के लिए। तो आइए, आज हम आए हैं सनी चाट हाउस एंड कोल्ड ड्रिंक्स पे, और इनके राम लड्डू ना टेस्ट करके देखें किस तरीके से। आइए भैया से बात करते हैं, बनते हुए देखते हैं किस तरीके से ये लड्डू अब बनाते हैं और कैसा है उनका स्वाद। आ जाओ। तो दोस्तों अभी हमारे साथ हैं सनी जी, इनके नाम पे शॉप है। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे, और मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग वैरायटी के आपने यहाँ पे राम लड्डू जो है वो रखी हुई है। तो कौन कौन सी वैरायटी है एक बार बताएंगे हमारे पास? हमारे पास भैया 3-4 किस्म के ये लड्डू हैं हमारे पास। ये इनको बोलते हैं हम सिंपल दाल भल्ले। अच्छा, सिंपल वाले हैं ये, प्लेन दाल भल्ले हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्याज पालक मेथी के। क्या बात है, प्याज पालक और मेथी तीनों मिक्स, बहुत बढ़िया। और जीरा अजवाइन वगैरह डाल के ना हमारे 5-7 प्रकार के मसाले होते हैं वो ऐड किए गए, वो डाल के बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है मिर्ची, मिर्ची पकौड़ा। मिर्ची पकौड़ा जी। तो इनके अंदर भी कुछ स्टफ होता है या बाहर से कोटिंग होती है? नहीं नहीं, बाहर से ही होता है इनको। अच्छा। दाल में स्टफ दाल में ही करके ना उसको फ्राई किया जाता है दाल की रैप करके। तो ये तीन तरीके के अलग अलग आपके पास है, और ये कौन सा है? ये हमारे पास होता है चटनी, कांजी वड़ा बोलते हैं हम इसको। अच्छा, कांजी वड़ा है, मतलब ये जो आपके ये चटनी में डिप किए होते हैं। ओके ओके, तो इसका तो एक अलग ही खट्टा मीठा फ्लेवर होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसका अपना ही टेस्ट है। चटपटा सा, क्या बात है। और ये चटनियां दो प्रकार की? चटनी हमारे पास 3 प्रकार की है। जो इमली की चटनी है, अच्छा ये वाली होगी, ठीक है। इसमें वो डलता है, मिर्ची डलती है, अदरक, प्याज। अच्छा, प्याज भी डलता है? हाँ, धनिया वगैरह डालते हैं, इमली होती है ज्यादा एक्टिव होती है इसमें, तो खटास होती है। नमक मसाला वगैरह, चाट मसाला वगैरह। अच्छा, और ये हमारे पास आती है दही की सौंठ। कौन सी? दही सॉल्ट, जिसको हम दही। अच्छा, इसके अंदर दही मिला के आप बनाते हैं? दही की सॉल्ट होती है, ये हमारी अनारदाने की चटनी है। अनारदाने की? तो हरी कैसे, मतलब धनिया वगैरह भी? धनिया और हरी मिर्ची ऐड करते हैं। ओके ओके ओके, उसके धनिया हरी मिर्ची ऐड करके और ये दही डाल के दही की सॉल्ट बनाई होती है हमने, अनारदाने वाली। भैया इसमें है जो चने की दाल डलती है वो। अच्छा। थोड़ी सी माँ की दाल डलती है, साथ में ये कड़ी पत्ता इसमें डलता है। अच्छा। फिर इसको हम अच्छी तरह रगड़ाई करते हैं, उसके बाद फिर इसको हम नमक डालते हैं, फिर इसका जब फ्लावट होता है फिर उसको हम बाहर निकाल के फिर इसके दाल बड़े बनाते हैं। क्या बात है। तो करी के वजह से जो करी पत्ता आप डालते हो तो उसके जो फ्लेवर है वो बड़ा, मतलब एक यूनिक फ्लेवर आता है ना, बढ़िया आता है। और ये जो बर्तन है, जीरा वगैरह, धनिया वगैरह, सब मेथी वगैरह सब कुछ मिक्स करके डालते हैं। अच्छा, जो आपका मसाला बनाया है। जी जी। और ये जो बर्तन है मैं देख रहा हूँ बड़ा ही यूनिक सा, मतलब पत्थर का, ये पूरा पत्थर का बना हुआ। क्या बात है। तो दिखाइए किस तरीके से इसको बनाते हैं जरा। ये देखो ना, तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ना ये दाल को ना इस तरीके से अच्छी तरीके से ना इसको पीसा जाता है, मिक्स किया जाता है। तो यही इसी तरीके से करते हैं आप? जी जी जी। तो देख सकते हो दोस्तों, इसके लिए मेहनत भी ना पूरी है। इसी तरीके से चलाते चलाते डोले भी बन जाते होंगे ना? जी जी बिल्कुल दोस्तों। भैया इसको हम जैसे जैसे हम रगड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसकी फुलावट आती जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे ही फूल जाएगा बिल्कुल, है ना? जी जी। तो बिल्कुल दोस्तों, इसको ना पीसते जो दाल है वो बिल्कुल फ्रॉकी हो जाएगी ना, बिल्कुल हल्की फुल्की सी फूल जाएगी, तब तक इसको अच्छे से पीसा जाता है। आप देख सकते हो किस तरीके से भैया यहाँ पे पीस रहे हैं, बहुत बढ़िया। और तो इसको फिर बाद में इनकी गोलियां बनाएंगे, इनको फ्राई किया जाएगा। जी, फ्राई करिएगा। इसमें पूरा रगड़ने से, इसको रगड़ाई करने से इसकी इसमें पूरी फुलावट आ गई है। अब इसमें हम आप आगे करेंगे, इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और हमारे जो ड्राई मसाले होते हैं 5-6 प्रकार के वो इसमें ऐड करेंगे। तो ये सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला? कड़ी पत्ता भी है बिल्कुल, ये हमने कड़ी पत्ता बिल्कुल ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद हम करेंगे अपने ड्राई मसाले। ये हमारे ड्राई मसाले, इसमें होता है कस्तूरी मेथी, हरी मिर्ची, अपना लाल मिर्ची, धनिया, जीरा, अजवाइन, ये सारा मसाला ऊपर से हमें ऐड किया इसमें। और इसके अब ये हमारी फाइनली रेसिपी तैयार है। अब हम इसके दाल बड़े बनाना शुरू करते हैं। तो चेक कर सकते हो दोस्तों भैया की ना ये बनाने, लड्डू बनाने की स्पीड चेक करो ज़रा किस तरीके से भैया ना धड़ाधड़ जो है वो लड्डू छोटे छोटे बना के ना तेल के अंदर डाल रहे हैं। और तेल देख रहे हो किस तरीके से लड्डू जो है वो बिल्कुल फ्लफ़ी है, इसलिए जैसे ही तेल के अंदर जा रहा है ना बिल्कुल छनते ऊपर आ जा रहा है। देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से भैया यहाँ पे लड्डू जो है वो बना रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ ना यहाँ पे काफी सारी दुकानें हैं। जी, जी जी जी। मगर आपने कब शुरुआत करी और कैसे शुरुआत हुई आपकी? जरा कम से कम सर हमें यहाँ पे करते हैं, ये हमारा ऐसा है कि हमारे दादाजी पहले करते थे। अच्छा, दादा हमारे पिताजी करने लगे, उसके बाद हम करने आगे। ओके ओके, पीढ़ी दारी चल रही है। तो काफी साल पुरानी शॉप है। काफी
इनमें बहुत जनरल रेट है, 20 रुपीज के 6 पीसेस देते हैं। 20 के 6 पीसेस? बिल्कुल, क्या बात है दोस्तों, 20 रुपीज के 6 पीसेस मिलते हैं। सिर्फ तीनों के, मतलब तीनों टाइप के अलग अलग है? नहीं, 20 में 6 पीस ये देते हैं, 20 में 3 पीसेस दे देते हैं, 20 में 2 पीसेस दे देते हैं मिर्ची वाले, 20 में 5 पीसेस ये कांजीवरम। क्या बात है दोस्तों, तो आइए इनको ना एक टेस्ट करके देखते हैं किस तरीके से। भैया एक हमारे लिए भी लगाइए। तो दोस्तों अभी हम लगवा रहे हैं अपने 20 रुपीज वाली प्लेट, जिसमें कि 6 प्लेन वाले जो पकौड़े हैं, जो हमारे राम लड्डू हैं, वो आएंगे। देखिए इन्होंने 6 पैसे लिए हैं, उसके ऊपर से मूली डाली है, और ये इनकी चटनी जो है। क्या बात है, ये तीनों तरीके की चटनी इसके ऊपर जाएंगी। वाह बहुत बढ़िया। और ये जो अच्छा, ये मसाले भी डालते हैं, चाट मसाला है। क्या बात। तो ये दोस्तों हमारी जो प्लेट है वो लग गई है, ये देखो। तो लो जी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, हमने अपनी प्लेट लगवा ली है, 6 पीसेज इन्होंने दिए हैं हमें राम लड्डू के। और ये देखिए इस तरीके से, क्या मतलब 6 पीसेज हैं, उसके ऊपर से इन्होंने मूली डाली, उसके ऊपर से तीनों तरीके की चटनी जो इनकी है वो डाली है। भाई देखने में तो बड़ा लाजवाब लग रहा है। अब एक जो है ना पीस उठा के मैं आपको दिखाता हूँ, खा के देखते हैं किस तरीके का टेस्ट है। वाह ये देखो, आ रहा ना मुँह में पानी, भाई मेरे तो आ रहा है। आ जाओ इसको टेस्ट करते हैं। और ये जो पूरा का पूरा पीस है ना, एक ही बार जाएगा ना मुँह के अंदर, तभी मज़ा आएगा दोस्तों। आ जाओ। क्या बात, बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल फ्रॉथी, हल्का जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल लाइट वेट, सॉफ्ट, और बिल्कुल हल्के मसालों में बनाया हुआ जो मूंग दाल का लड्डू होता है ना वो है, और बिल्कुल क्रंची है। जैसे इसको फ्राई किया गया ना, तो जो ये क्योंकि ये फ्रॉथी बना था ना, बिल्कुल एकदम फ्लफी सा हो गया था, तो जब इसको फ्राई किया तो बिल्कुल क्रंची हो चुका बाहर से, बहुत बढ़िया। और जो चटनी डाली हुई ना तीनों तरीके की, वो जो मिक्स हो रही है आपस में मूली के साथ, बहुत लाजवाब लग रही है दोस्तों। ये देखो कि नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये जो इन्होंने चटनी डाली है वो इकट्ठी हो रखी है। और जब ये सोक करता है ना राम लड्डू इस चटनी को, और बाद में जब हम इसको खाते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। ये देखो कितना सॉफ्ट है, देख रहे हो, ये देखो कितना सॉफ्ट है, अंदर से बिल्कुल स्पंजी हो रखा है। देख रहे हो जिस तरीके से केक होता है ना दोस्तों, उसी तरीके से बिल्कुल स्पंजी हो रखा है। अरे वाह बहुत बढ़िया, एक बाइट और लेते हैं। मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत लाजवाब। अभी मैं ना इनके दूसरे वाले जो प्याज वाला है वो भी ट्राई करता हूँ, और एक मिर्ची वाला भी ट्राई करता हूँ। फ्रेंड देखिए, अब हम लगवा रहे हैं अपने मिर्ची वाला और एक प्याज वाला, जो अलग से था ना, तीन तरीके की वैरायटी थी ना, तो ये दो, एक तो हम टेस्ट कर ली, एक ये वाली रह गई। तो ये देखिए, इसको भी इसमें मूली डाली, थोड़ी चटनियाँ डाली सारी तरीके की, तीनों तरीके की। वाह जी बहुत बढ़िया, वाह। तो ये भी आ गई दोस्तों हमारी, दोनों अलग तरीके की जो बच गई थी ना हमारी, वो भी मैंने सोचा ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं किस तरीके का उसका स्वाद। तो ये देखो, ये तो हो गया हमारा मिर्ची वाला है ना, और ये वाला जो प्याज, भैया प्याज के साथ क्या क्या था इसके अंदर? प्याज, पालक, मेथी। अच्छा, प्याज, पालक, मेथी। तो प्याज, पालक और मेथी मेनली उनका मिक्सचर के साथ है, वो वाला प्लेन था। तो इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा। आ जाओ, अभी गर्मा गर्म इन्होंने तल के निकाला है, तो थोड़ा सा गर्म है। और देख सकते हो आप, फ्लफ़ी ये भी है, क्योंकि बैटर सेम है दोनों का, बस इसमें क्या है कि अलग से चीज़ें मिला दी गई हैं, प्याज, पालक और मेथी, अदरवाइज़ जो बैटर है वो सेम है तीनों का। आओ थोड़ी सी चटनी लेते हैं। अरे भाई इतना सॉफ्ट है ना, तो छूट जा रहा है ना। आ जाओ। बहुत बढ़िया, प्याज का क्रंच, मेथी का फ्लेवर, बहुत लाजवाब। बैटर सेम है तो पकौड़े तो सेम ही है, मगर जो फ्लेवर आ रहा है ना वो प्याज और मेथी का आ रहा है। ऑसम। अब ये जो मिर्च वाला है वो भी ट्राई कर लेते हैं एक बार। आओ अच्छे से लगाते हैं, ज़रा चटनी में डिप करते हैं मिर्च को, और आप देख सकते हो कितनी मोटी मिर्च इन्होंने यूज़ की है ना। आ जाओ। बहुत बढ़िया, चटनी के साथ मिर्च का कॉम्बिनेशन और उड़द की दाल, बहुत लाजवाब दोस्तों, टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तीनों जो पकौड़े हमने खाए हैं, राम लड्डू खाए हैं, मतलब दो राम लड्डू और एक मिर्ची वड़ा, बहुत बढ़िया है, बहुत स्वादिष्ट है। आप भी यहाँ पे आते हैं लखनपुर में, तो भैया की दुकान पर ज़रूर आइएगा, सनी चाट भंडार पर, और इनके पास यहाँ पर राम लड्डू ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत मज़ा आया। भैया टाइमिंग क्या है शॉप की? 24 आवर्स रहता है, 24 घंटे। क्या बात है दोस्तों, कभी भी आइएगा, आपको ये दुकान जो है ना खुली मिलेगी। एड्रेस और लोकेशन मैं यहाँ पे डाल दूंगा डिटेल में, अब भैया का नंबर भी डाल दूंगा, कभी आना हुआ तो भैया से कांटेक्ट भी करके आप आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको फिनिश करता हूँ और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। जम्मू के और बहुत सारी वीडियोज़ दोस्तों हमारे चैनल पर आने वाली है, तो सब्सक्राइब तो करके रखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।